तो रुक करते उत्तराखंड से तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां सीएम धामी ने सर्किट हाउस में बैठक की है। अधिकारियों के लेट लतीफी के लिए नाराजगी जताई। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी के हल्द्वानी शहर के विकास के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर लेट लतीफी के लिए नाराजगी जाहिर की है। तो बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 2000 करोड़ की घोषणा की गई थी, वे बढ़कर अब 2200 करोड़ की हो गई है, जिसमें हल्द्वानी शहर के अब स्थापना, विकास और शहर के लिए बेहतर सुविधाओं का जाल बिछाने का काम किया जाएगा। लिहाजा पूरे कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता हो, इसलिए सरकार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जल्द ही विकास कार्य धरातल पर दिखाई देंगे। साथ ही उन्होंने लगातार बीजेपी के नेताओं के दिल्ली दौरे के बाद उठ रहे कयासबाजी पर कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही है, विकास कार्यों को तेजी से कर रही है, लिहाजा ये एक रूटीन प्रक्रिया है। सरकार आमजन के सुविधाजनक बेहतर कार्य कर रही है और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये जो धनराशि है अब 2000 से बढ़कर ये 2200 करोड़ रुपया हो गया है और इस पर जल्दी से जल्दी यहाँ काम हो, इसकी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बस अड्डे अच्छे हों, सीवर लाइनें अच्छी बने, सड़कें अच्छी बने, स्ट्रीट अच्छी बने और जितने भी सरकार शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाया जाए। DPR जो गठन की कार्रवाई चल रही है वो तेज़ी से हो, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो।